तो आज है बर्थडे एक्चुअल में मेरा, तो आज चलते हैं गुरुद्वारे मत्था टेकते हैं, बाबा जी की ब्लेसिंग लेते हैं और फिर हले जाना यार तेरे पुल ते फोटो खिंचाई नहीं वीडियो नहीं बनी किसकी हमारे प्यार सिंह जी प्यार सिंह और मैं इनको बोल रहा था ठंड लग रही जैकेट पहन रहे हो जूते ये है अफगानी चिकन अच्छा सांस चढ़ता है भाई यहाँ पे क्योंकि सर्दी बड़ी है और ट्रैक करना पड़ता है नमस्ते आदाब सलाम सत श्री अकाल कैसे आप सब होप करते हैं बढ़िया होगे तो बढ़िया ही रहना तो आज है मणिकरण से आज चेकआउट करने का डे तो कल ही एक्चुअली आए थे तो कल हमने यहाँ पे स्टे कर लिया तो यहाँ पे इतना ही है कुछ जो करने का कल भी हमने गुरुद्वारे में स्नान जैसे आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया स्नान हो गया था और दर्शन कर लिए थे आज हमने रूम में ही अपना नहा धो के तैयार हो गए हैं तो अब जाते हैं मत्था टेकते हैं और आज ही है बर्थडे पिछले ब्लॉग में आपने बर्थडे विश किया उसके लिए थैंक यू तो आज है बर्थडे एक्चुअल में मेरा तो आज चलते हैं गुरुद्वारे मत्था टेकते हैं बाबा जी की ब्लेसिंग लेते हैं और फिर जैसे जैसे आगे जो करेंगे वो आपको दिखाएंगे ठीक है ना तो ये था हमारा कुछ रूम जो कि अभी बैग वैग हमने उतने ही लेके आए थे जितने लिमिटेड चाहिए थे तो बस अब चेकआउट कर लिया है बैग इतने ही है ये लेके चलते हैं ठीक है चलो मिलते हैं आपसे गुरुद्वारा है बिल्कुल मणिकरण साहिब के बराबर में ही की गुरुद्वारा नाम से शिव मंदिर शिव मंदिर है ना इतने भी सेम है गुरुद्वारे के बराबर में मंदिर है गुरुद्वारे के बराबर में मंदिर है तो यहाँ पर है ये चलो कोई नहीं देखो जी अगर मैंने गुरुद्वारा बोला है या मंदिर बोला है फर्क नहीं है गॉड इज वन भगवान एक है ना तो वो चीज़ है इतने मंदिर कुंड यहाँ वो नंदी बैल में क्या होता है जब जी कान में विश बोलनी होती है तो फिर आप जाओ बोल के आओ और विश बताना मत किसी को ठीक है किसी को नहीं बताना जाओ बोल के आओ यहाँ पे इतनी अच्छी बेल लगी हुई है बट इसकी चेन ही बहुत ऊपर है और यहाँ से खड़े होके यहाँ तक हमारा हाथ ही नहीं पहुँचता यार बजानी थी बड़ी वाली बेल आपको भी बजानी थी yes. ओ ये वाली लगी ये बजानी सही है मैंने वहाँ मत्था टेक के भी नहीं बजाई यार मैं यहाँ बजाऊँगा Do you make it?
तो आ रहा पुल, आ रहा गुरुद्वारा और पार्किंग हले जा रहा यार तेरे पुल ते फोटो खिंचाई नहीं वीडियो नहीं बनी कर लेने हम एक काम करते पहले शूज पा लेने ना गुरुद्वारे अभी पाई हुई सी चप्पल हूँ आप पा लेने पहले शूज सत श्री अकाल रेडबुल पिला दे खोलो इधर रेडबुल हो रही है तो साडी गड्डी ना आई है साडा साधन करे नाई नाई केड़ी रील चल दी हुंदी है ना जब जी अंदर ही बैठा क्या बन रहा है अच्छा वो पानी होता ना पानी ना बन रहा बढ़िया है जगह मनीकरण साहब तो अभी आ गए हैं जी टाइम सिर चेकआउट करके मत्था मुत्था टेक के बाबा जी ने मत्था टेक लिया आ गया ले लिया उन्होंने कोलो प्रसाद मिल गया तो कसौल पार कर लिया सामने कसौल से कोई ऐसी गाज आ हैपनिंग कोई गल सू समझ नहीं आई तो कसौल असं स्टे नहीं कर रहे हैं हूँ असं सीधा निकल रहे मनाली वास्ते मनाली तो सब ने दसिया कि ओल्ड मनाली जाना है ना तो मनाली जावे माउंट रोड भी दिखावे बट जाके स्टे करा ओल्ड मनाली उत्ते भी बड़े कहते कैफे कूफे है बाकी जाके कर सकते तो जब तक आप सजेस्ट करोगे एक्चुअली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो वहाँ पे आते हैं बिल्कुल रियल टाइम अपडेट्स कि हम कहाँ पर है जैसे मनीकरण गए उत्थे पता टेक के उत्थे दा पाती इंस्टाग्राम पोस्ट स्टोरी पाती है ना तो उत्थे फॉलो करो उत्थे इंस्टेंट सानू तुसीं सजेशन देवो इत्थे वीडियो जब तक अपलोड होगी तब तक तो पता नहीं कितने से कितने होवांगे एक दिन तो भी है वहाँ पे इंस्टाग्राम पे हाँ एक दिन है वहाँ पे यहाँ पे भी कमेंट कर देना नहीं तो इंस्टा पे फॉलो कर लो ठीक है स्टेपर्स स्टेपर्स वाला नहीं गुरुदेव सिंह गोल्डी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा ठीक है चलो ये देखो हमारी गाड़ी हो रही है वॉशिंग गड्डी दी होगी ना इन्ना ही इतनी गड्डी दोबारा चमक गई है गड्डी यार चलाने हाईवे तो लगता ही है कि गड्डी वधिया होए साफ सुथरी तो मज़ा आता है वा मिट्टी कट्टा पै गया से गड्डी होगी साफ चल रहे इतों जाके थानू मनाली कहाँ पहुंच गए हो मनाली पहुंच गए और परौंठे मंगाले आंदे सारी यस पनीर दे परौंठे मनाली ऐसे पहुंच गए हैं और गेस द प्लेस सस्पेंस सस्पेंस ज्यादा हो जाएगा जहाँ पे हमारा जट भाई जट प्रभजोत और मोहम्मद सलीम एमएसके सत्य सागर जेएस फिल्म है ना पलक द डाउन हिल गर्ल तो ये सारा जो है प्यार सिंह जी का प्यार वहाँ पे हम आ चुके हैं आपको अभी दिखाएंगे बाहर का जब सीन थोड़ा तो आपको आइडिया लग जाएगा जो जो जट प्रभजोत को देखता है या इन सबको देखता है जिनके नाम लिए मैंने एमएसके सत्य सागर तो वहीं सेम प्रॉपर्टी में आके हम रुक चुके हैं परांठे यहाँ आ चुके हैं जल्दी से खा लेते हैं और फिर चलते हैं घूमने हडिम्बा टेम्पल जाना है अभी पहले हमने हडिम्बा टेम्पल जाएंगे फिर आसपास जो भी सीन है वो देखते हैं ना जमकर तो हमारे वीडियोस देखने वाले जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं और साथ में अगर कोई जो मैंने बताया जट प्रभजोत वगैरह सब देखते हो तो देखो वही सीन है
पहचान गए होगे जो देखते हैं उनको कि ये वही पार्किंग है, यहीं पे बाइक वाइक लगाते ना, यही है वो एरिया। अच्छा प्यार सिंह जी वाले जिस पर उसने ट्रिप मारा था, ले लद्दाख किया था सारा उसने, पेंगोंग वगैरह है ना, वो 3-8 वाले सेट पे गए थे जहाँ पे वो स्कूल है। सही है यार, चलो आओ जी आओ। हो गया जी परौंठे डन, परौंठे तुमने ज़्यादा मंगा लिए, पड़े हो गए मेरे तो, है ना। चलो जी अभी हमने परौंठे परौंठे खा लिए और अब हम निकलते हैं घूमी घूमी हडिंबा टेम्पल। सबसे पहले क्या दिखाएंगे? किसकी? हमारे प्यार सिंह जी की। प्यार सिंह जी की सुजू जिस पे ये सारा घूम के आए थे पंजाब चंडीगढ़ तो लाए थे ना। यस सही है। ये लो जी, ये लो माउंटेन क्रॉस। सही है। फिर अब तुमने जाना है लेह लद्दाख? जाना ही है, चलो जाएगा। यहाँ तेरी ठंड से हालत खराब हो रखी है, गुड्डी निकाल उसकी भी। तू जैकेट पा लिया? सही है, ये तुम्हारी कहानी सही है। ये हमारी गाड़ी, ये रही उसकी गाड़ी भाई की, है ना। और ये रहा उनका वी कॉटेज मनाली बाइकर पॉइंट। बाइकर पॉइंट मनाली वाले। हाँ जी कहाँ गए हो? हडिंबा टेम्पल आ गए आप, है ना। और मैं इनको बोल रहा था ठंड लग रही, जैकेट पहन रहे हो? पानी ठंड तो है ही, जैकेट मैंने भी पहन लिया। बहुत ठंड है भाई यहाँ पे। जब जी कितनी दिखाई है तेरे मोबाइल में आ रही है? दिखाई है मनाली में? मैंने मनाली ऐड नहीं करा ना एज अ सिटी। मनाली है 14 डिग्री और ये जाएगा 9 डिग्री और रात को ये जाएगा 8 डिग्री रात को। और अभी भी 14, अभी भी 14 जो है फील लाइक कूल्ड 9, फील लाइक 9 वाला है भाई। 14 दिखा रहे हैं, ठंड देखो सब देखे में कपड़े कपड़े पाए। हाँ जी कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया। यहाँ से भी स्ट्रेट से यहाँ उधर से अपनी प्रॉपर्टी पे जाने से आने से छोटा सा ट्रैक, कितनी देर का था वो? हार्डली 2 से 4 मिनट का ट्रैक था। तो फिर हमने तो अभी शूज शूज उतारे नहीं भाई, यही हुआ ही है अंदर हडिंबा माता मंदिर। हमने बाहर से मत्था टेक लिया, दर्शन कर लिए और जितने घूमने करे उतने आपको भी करा दिए। अंदर एक्चुअली फोटोग्राफी अलाउड भी नहीं है, अंदर बना कर रहा है, अंदर की भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ठीक है अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। तो आगे मॉल रोड जाना है। तो अभी के लिए हम आ गए हैं जी मनाली की हॉटस्पॉट मॉल रोड में। और हमारा स्टेज जो हमने लिया है एक्चुअली वो ओल्ड मनाली में लिया है। ओल्ड मनाली में क्यों लिया? ओल्ड मनाली फेमस है, बहुत अच्छे अच्छे कैफेज हैं वहाँ पे, हैपनिंग कैफेज हैं। इसलिए हमने जो स्टे लिया है वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि ओल्ड मनाली में स्टे लेना, वहाँ पे आसपास बहुत बढ़िया बढ़िया कैफेज हैं जो हम देख के भी आए हैं। वहाँ पे म्यूजिक ऑलरेडी आवाज़ आ रही थी, अच्छे अच्छा म्यूजिक था। तो फिलहाल के लिए अभी हम देखो ये मॉल रोड घूमने आ चुके हैं। जब जी आज यहाँ बैठ गए, क्या नाम है इसका? नवाब। वाओ नवाब, ये अच्छा नाम है हमारे, हमारे पास बेटा हमारा बॉस है यहाँ पे मिला हमें नवाब। ऐसे ऐसे नाम होने चाहिए बेटा। ये देखो साढ़े को लगा बॉस, इतने मिला नवाब, बढ़िया नाम है। तो ये देखो जी मॉल रोड के नजारे ले लो आप लोग, मर्ज भी है थे। अब तेरी बारी है।
बड़ी भाई ठंड है, ये तो ठंड करके हाल खराब है। गरम गरम चीजें ला के रहे, धुएं निकल रहे हैं, वैसे धुएं निकल रहे हैं लेकिन गर्म नहीं लग रहा है, ठंडा लग रहा है। टिप्पणी दो इस पे, फ्रेंड्स अभी के लिए हम मॉल रोड वगैरह बढ़िया से घूम कर आ गए हैं, थोड़ी देर जब जिन्हें खा भी लिया है, स्नैक्स वगैरह हो गया, तो अभी के लिए करते हैं इस ब्लॉग को एंड। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कैसा लगा, और फिर शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ढक्कन को करते हैं बाय।